ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के अंदर आपकी ये ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का एक चैप्टर। इससे रिलेटेड हम एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग में ही आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन का जो है उसके लर्निंग आउटकम्स हम लोग देख लेते हैं इधर से। और लर्निंग आउटकम्स में डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल व्हाट इज द डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पोररी व्यूज ऑफ द वर्क, स्पेशलाइजेशन। और ट्रेडिशनल होते हैं कि जो रेगुलर चल रही होती हैं चीज़ें, और कंटेम्पोररी होते हैं लेटेस्ट लेटेस्ट व्यूज। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे आज की वाली वीडियो में और ये आज के लेक्चर में। और इसमें स्पेशलाइजेशन, व्यू ऑफ द वर्क, स्पेशलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड में जिस तरह से हु रिपोर्ट्स टू हूम, और या हायर अपर मिडल और लोअर लेवल की होती है, हमने पढ़ी हुई है। जैसे ये पढ़ते मैंने चेन ऑफ कमांड में कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, और इसका कॉन्सेप्ट है। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पैन ऑफ कंट्रोल में कितने लोग कितने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि कितने एक मैनेजर्स हैं मिडल लेवल में, कितने मैनेजरियल लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं, और उनके आगे फर्दर कितने लेवल के एम्प्लॉयज़ उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में डिस्क्राइब ईच ऑफ द फाइव फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन में जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया होता है, सेम तरह के काम एक तरह पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, उसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं। अगर सेल फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो एक सेल्स का एक डिपार्टमेंट बन जाएगा कि उधर सब एक ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो और फिर एक्सप्लेन द क्रॉस फंक्शनल टीम्स, द क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्या होती हैं, हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे। देन डिफरेंशिएट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड, and then tell what factors influence the amount of centralization and decentralization. दोनों के कॉन्सेप्ट हम लोग पहले देखेंगे। सेंट्रलाइजेशन जहाँ पर हम लोग डिसीजन मेकिंग एक सेंटर पे होती है, यानी कि एक लीडर उसकी कर रहा है और उस डिसीजन मेकिंग और उसको दूसरे लोगों को कन्वे कर रहा है थ्रू डायरेक्टिव वे। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप अथॉरिटी या दे देते हैं उनको एम्प्लॉयज़ को कि वो मैनेजर या लेवल्स को कि वो अपने डिसीजन या इतनी हद तक इतनी तक के डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं। एंड देन एक्सप्लेन हाउ योर फॉर्मलाइजेशन इज़ यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। तो फॉर्मलाइजेशन कैसे यूज होती है ये हम लोग इसमें आज स्टडी करेंगे। और इसके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन डिसीजंस भी हैं, जिसमें मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल कौन सी होती है, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड देन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर एंड टेल हाउ ऑर्गेनाइजेशनल साइज अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। एंड देन डिस्कस वुडवर्ड्स फाइंडिंग्स ऑन द रिलेशनशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर एंड हाउ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। और इसमें एक और आउटकम जो कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, इसके अंदर टीम है, टीम बेस्ड और मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स, और डिज़ाइन ऑफ वर्चुअल एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन चैलेंजेस फेसिंग एंड मैनेजर्स टुडे। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बेसिक डेफिनेशन। द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब, ये जॉब की असल में हम लोगों ने एक जगह पे डिफाइन करना होता है कि इसकी इस जॉब के से रिलेटेड कि काम किस किस्म के परफॉर्म किए जाते हैं इस जॉब के ऊपर, और किस किस्म के लोगों रिक्वायर्ड हैं इस काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक फॉर्मल जॉब इसी तरह से होती है जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन उस जॉब को डिफाइन करती है ओवरऑल कि इसके अंदर जॉब के अंदर क्या होगा।
और फिर उसके बाद जॉब स्पेशलाइजेशन ये है कि जॉब स्पेसिफिकेशन ये है कि आपने अपने जो भी उसके कंसर्न लोग होंगे जिनकी जिन जिस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने न्यूज़पेपर में हर रोज़ देखते हैं कि एड्स वगैरह आते हैं रिलेटेड टू जॉब्स के इस ऑर्गेनाइजेशन में इस एरिया में जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इतने लोगों की स्किल्स उनकी क्वालिफिकेशन और इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है उसमें, उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फॉर्मल अरेंजमेंट है कि अरेंजमेंट करनी कि हर डिपार्टमेंट में या हर जॉब को डिफाइन कर देना या विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की इस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसमें किस किस्म के और एक तो जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और किस किस्म के लोगों को इस काम को परफॉर्म करने के लिए रखा जाता है, और ये फॉर्मल अरेंजमेंट है जॉब की। देन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अबाउट 6 key elements, इसके अंदर वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के 8 components हैं, 8 elements हैं जिसके थ्रू हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं ओवरऑल। इसमें वर्क स्पेशलाइजेशन में हम लोग चलते हैं आगे आगे पर मैं इसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग असल में हम इतनी क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ये हम क्यों करते हैं। अब ये डिवाइड वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स, अब जो काम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम लोग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक तरह के काम एक जगह पे होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक यानी कि उसको स्पेसिफिक जॉब्स के थ्रू हम लोग उसके डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। एंड देन असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब्स, और टास्क अपने असाइन किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं जो कि इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जो भी हमने जॉब डिफाइन की है। देन कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, और जिस तरह से अगर डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क हैं तो उनके डिपार्टमेंट या उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए प्लानिंग की जाती है कि ये वाले डिपार्टमेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ तो कम्युनिकेट करेंगे और कौन से डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेट करेंगे बाकी सब और डिपार्टमेंट्स को मिला के रखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज उधर है। इन क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स, और जो एक जगह पर इकट्ठी कर देती है जॉब्स को, देन एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, ये एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के दरमियान में, ग्रुप्स जो भी जो डिपार्टमेंट्स होंगे उधर ग्रुप काम कर रहे होंगे और डिफरेंट ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, और ग्रुप्स जो हैं वो इनफॉर्मल और फॉर्मल हर तरह के ग्रुप्स शामिल होंगे। देन एस्टेब्लिश फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये इसमें किया जाता है। एंड देन एलोकेट्स एंड डेवलप्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, और उनको करने के लिए फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वो उनको बताया जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। देन अब हम लोग पढ़ते हैं इसके जो 8 elements हमने पहले डिस्कस किए हैं उनकी हेडिंग्स डिस्कस किए हैं, उसमें हम लोग वर्क स्पेशलाइजेशन का जो सबसे पहली हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर वर्क स्पेशलाइजेशन, ये क्या चीज़ है। द डिग्री थ्रू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स, सेपरेट जॉब यानी कि इस तरह की जॉब इस तरह इस डिपार्टमेंट में की जाएगी विद ईच स्टेप कंप्लीटेड बाय अ डिफरेंट पर्सन, और डिग्री टू विच यानी कि टास्क जो है वो कितनी डिग्री तक डिवाइडेड हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे एक तरह के काम होंगे, अगर सेल्स का डिपार्टमेंट है तो उसके पास सिर्फ सेल्स से रिलेटेड ही डाटा और चीज़ें और लोग अवेलेबल होंगे, और अगर मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग का डिफरेंट होगा, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के अंदर डिफरेंट होगी, मार्केटिंग के अंदर सारी सेल्स की और ट्रेड की जो प्लानिंग है वो मार्केटिंग के थ्रू होती है। देन वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर ही ओवर स्पेशलाइजेशन कैन रिजल्ट इन ह्यूमन डिस इकोनॉमीज, हमने प्रॉपरली
चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन ओवर ऑर्गेनाइजेशन क्या जिस तरह से वो कह रहा है, ओवर स्पेशलाइजेशन अगर हम लोग कर देते हैं कि सिर्फ उन छोटी छोटी स्पेशलाइजेशन बीच में से निकाल के कि ये स्पेशलाइज टाइप वर्क है, हम लोग इसको अलग-अलग से डिपार्टमेंट के तौर पर डील कर लेते हैं, तो जब यहाँ पर हम लोग ओवर स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं तो वो रिजल्ट इन ह्यूमन डिस इकोनॉमीज, यानी कि डिस उसका अब जिस तरह से हम लोगों ने एडम स्मिथ की एग्जांपल देखी थी जिसमें उन्होंने पिन्स बनानी थी एक फैक्ट्री के अंदर एडम स्मिथ की, और उन्होंने ऑब्जर्व किया पिन बनाने के जो हर मेंबर के पास उसको पता था कि मैंने पिन बनानी है, वो सारे दिन में 10 पिन को जनरेट करता था एक मेंबर, तो जो एक मेंबर था वो उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 पिन सपोज वो जनरेट करता था एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जब वर्क स्पेशलाइजेशन कर दिया गया जिसके जिस तरह से 10 ही लोग थे, 10-10 पिन बनाते थे, 100 उनकी आउटपुट की पूरी टोटल फैक्ट्री की, तो लेकिन जब उसको वर्क स्पेशलाइजेशन किया गया यानी कि एक बंदे को सिर्फ ये कह दिया गया कि आपने इस लोहे को या इस रॉड इसको रॉड की शेप देनी है, एक लोहे को रॉड की शेप देनी है और इतनी लेंथ बरकरार रखनी है, उसके बाद एक के पास टास्क आया कि उन्होंने सिर्फ उसको कट डाउन करना है, और एक के पास ये टास्क आ गया कि उसने उसकी नीडल बनानी है यानी कि जो पिन होती है उसके ऊपर काम करना है, वो सिर्फ सारा दिन 8 घंटे या 10 घंटे वो सिर्फ पिन बनाएगा। फिर एक के पास काम था कि उसकी या उसके अंदर इसमें हम लोग बात कर रहे थे एडम स्मिथ की एग्जांपल की जिसके अंदर उन्होंने टास्क को डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिवाइड कर दिया, और उस डिवाइड करने की वजह से ओवर स्पेशलाइजेशन आप समझ लें कि हो जाती है कि वो स्पेशलाइज हो जाते हैं काम कि एक ने सिर्फ सुराख करना है, तो इसकी वजह से जब ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाती है। लेकिन एडम स्मिथ की वर्क स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एडम स्मिथ की ही थ्योरी से निकला और उनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस उसके अंदर इसका जिक्र है। तो ये वाली जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है पिन मेकिंग वाली, जो उस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही थी, उस वक्त जो ज़्यादा चलती थी, अब कपड़ा बुना जाता था तो उसके अंदर पिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी, और पिन की का जो काम था यानी कि अगर एक मेम्बर जो था वो 10 पिन जनरेट कर रहा है एक पूरे दिन के अंदर अपनी एफर्ट के बाद, खुद ही से वो कटिंग कर रहा है, खुद ही से उसकी नीडल बना रहा है और उसके बाद फिर उसके अंदर सुराख कर रहा है और चीज़ें, तो उसको पूरे और उसकी प्रोडक्शन जो थी वो 7-10 होती थी, और उसके बाद फिर जो 7-10 प्रोडक्शन थी वो 100 स्पोर्स के 10 लोगों का काम कर रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ये था कि जब उन्होंने इस काम को डिवाइड कर दिया पिन्स के लिए बनाने के लिए कि एक बंदा सिर्फ सुराख ही बनाएगा सारा दिन में, 8 घंटे में सिर्फ उसने सुराख करना है, 8 घंटे में उसने सिर्फ एक पिन को शेप देनी है, उसका साइज ठीक करना है। जब इस तरह के काम जब कर ओवर स्पेशलाइजेशन कर दी जाती है तो उसकी आउटपुट ये थी कि 40,000 पिन्स एक दिन में बनना शुरू हो गई, यानी कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन थी जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आई कि काम करने के कुछ तरीके भी होते हैं और वर्क स्पेशलाइज कर दिया जाता है। जब काम को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट टास्क तो उसकी आउटपुट ज़्यादा जनरेट की जा सकती है, और जहाँ पे 100 प्रोडक्शन थी वहाँ पे 40,000 प्रोडक्शन होना शुरू की एक दिन में। अब ये प्रोडक्शन का लेवल था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रिवोल्यूशन हुई और ये वर्क स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट में ये शामिल हुआ। लेकिन जब एक बंदा रोज़ाना 8 घंटे सिर्फ सुराख के ऊपर काम करेगा और वो हर पिन को सुराख कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, उसके अंदर फटीक और चीज़ें और पुअर क्वालिटी या इस तरह की चीज़ें आनी ह्यूमनली जैसे हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल हो जाता है कि उनके अंदर फटीक आ जाती है, बोर हो जाते हैं वो, और कि एक ही तरह का काम वो रोज़ाना कर रहे हैं। और उनकी एब्सेंटिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाती है और हाई उनका टर्नओवर हो जाता है, टर्नओवर के ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने लग पड़ते हैं।
एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप, इसमें जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं वो एक बेसिस है उनकी, उनके ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट, कि एक तरह के फंक्शन जहाँ पर परफॉर्म होते हैं, या ग्रुप जहाँ पे एक तरह के काम कर रहे होते हैं उसको हम फंक्शनल डिपार्टमेंटल, या ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शंस परफॉर्म, जिस तरह से फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, जिस तरह के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट तख्लीक कर दिया जाता है। या और देन प्रोडक्ट के ऊपर, बेस के ऊपर भी हम लोग डिपार्टमेंट बना देते हैं, कि ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट, यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट के लिए ये डिपार्टमेंट है। सपोज जैसे जैसे नेस्ले है, आप लोगों ने स्टडी किया, उसके काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो सरफ बनाने वाली जो है वो, या नेस्ले की जो जूसेस वगैरह बना रही है उसकी एक अलहदा से है, फिर जो कॉन्फेक्शनरी आइटम्स को डील कर रही है वो एक अलहदा है, फिर दो जितने भी उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट वाइज उसको उसके डिपार्टमेंट बना दिए। तो ये बिजनेस सब यूनिट्स भी कहते हैं उनको, ये बिजनेस सब यूनिट्स हैं उनके, यानी कि एक यूनिट है बिजनेस का और उसके आगे से छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि जिसको प्रोडक्ट के थ्रू हमने कैटेगराइज कर लिया, या उनके थ्रू हमने उसको उसका डिपार्टमेंट बना लिया। देन जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हैं द ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी एंड जियोग्राफी। अब कुछ जॉब्स ऐसी हैं या कुछ नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है कि हम लोगों ने टेरिटरीज डिफाइन कर ली, ये पंजाब की टेरिटरी है, पंजाब साउथ है और एक नॉर्थ है, नॉर्थ पंजाब में कौन डील करेगा और साउथ को कौन डील करेगा, इसके हिसाब से हमने डिपार्टमेंट तख्लीक कर लिए। कि और इसके बाद सेंट्रल सेंट्रल पंजाब को, कैपिटल को, और इसके बाद फिर दूसरे दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपने अपना डिपार्टमेंट्स को बना लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन की गई है। देन प्रोसेस के थ्रू और किस तरह से ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो, या जैसे प्रोडक्ट लाइन होती है एक, जैसे कॉटन से कपड़ा तैयार किया जाता है और ये एक एक, एक सब यूनिट है, कपड़े से कपड़े को रंगा जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, उसको एक खास शेप दी जाती है, वो एक अलग से डिपार्टमेंट है, फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है, ये एक सारे डिज़ाइनिंग, ये प्रोडक्शन से लेके कपड़े की प्रोडक्शन से, फिर डिज़ाइनिंग और उसके बाद फिर स्टिचिंग का काम और स्टिचिंग का एक अलग से, तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से एक एंड प्रोडक्ट जो कि हमें ड्रेसेस की शुरुआत में नज़र आता है किसी भी ब्रांड के पास, तो वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू या प्रोसेस के की डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी उसके अंदर। अब प्रोसेस में इन्वॉल्व ये है कि आप सबसे पहले एक प्रोसेस पे कपड़ा तैयार हो रहा है, फिर इस एक अगले प्रोसेस के ऊपर उसकी डिज़ाइनिंग हो रही है, एक के ऊपर उसकी कलरिंग हो रही है, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग की तरफ जाती है, स्टिचिंग के बाद उसकी पैकेजिंग की तरफ जाती है, फिर पैकेजिंग, ये एक प्रोसेस बनता है। हमने इस प्रोसेस के थ्रू जब हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं तो उसको हम लोग प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। देन कुछ होते हैं कि कस्टमर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, ग्रुपिंग जॉब्स बाय द टाइप ऑफ कस्टमर एंड नीड्स, कि हमने अपनी जॉब को कस्टमर के हिसाब से, जैसे लोअर लेवल या हायर लेवल कस्टमर्स, या टारगेट मार्केट के हिसाब से, कि ये लोअर लेवल को टारगेट करती है ये प्रोडक्ट्स में, और अपर लेवल को ये करती हैं, ये मिडिल को ये करती हैं, कि उनके मुताबिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इशू किया जाता है। तो कस्टमर की ग्रुपिंग के हम लोगों ने किस टारगेट मार्केट को एड्रेस करना है उसके मुताबिक इन चीज़ों को डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो फंक्शनल, प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल, प्रोसेस एंड कस्टमर बेस के ऊपर भी की जाती हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर, फंक्शंस में जैसे इंजीनियरिंग का है, मैनेजर इंजीनियरिंग, वहाँ पे सारे इंजीनियरिंग के फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म हो रहे होंगे। देन मैनेजर अकाउंटिंग है, वो हिसाब किताब का जो भी काम है वो वहाँ पे हो रहा होगा। देन मैनेजर मैनुफैक्चरिंग है, मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड जितना भी कंसर्न होंगे काम होगा वो इस डिपार्टमेंट पे किया जा रहा होगा, उसको डिपार्टमेंट कामों के हिसाब से सेम तरह के काम एक जगह पर कर लेना। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के हैं जो सैलरीज और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, तो ये परफॉर्मेंस मैनेज, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। देन मैनेजर परचेज, यानी कि ये डिपार्टमेंट के हिसाब से, या जो हम उसको फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को भी कहते हैं, उसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की गई है, जहाँ पर आप जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सेल्स डायरेक्टर है वेस्टर्न रीजन,
साउथर्न रीजन, मिडवेस्ट रीजन, ईस्टर्न रीजन, यानी सेल्स ही डिपार्टमेंट है लेकिन उसके डिफरेंट रीजन्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। एंड देन प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट वाइज आपने चीज़ों को अलाइन कर लिया, जैसे ये प्रोडक्ट है एक ऊपर जो है बम्बार्डियर लिमिटेड कंपनी है, और उसके आगे से मैस ट्रांजिट सेक्टर और रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर, इन ये सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट वाइज इनके प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के, और उसके मुताबिक उन्होंने इसकी डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिए, और ये इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और ये सारी। इसके बाद जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर हम लोग असेंबली लाइन, जिस तरह से भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि असेंबली के लाइन के थ्रू जहाँ से कपड़ा बन रहा है, और उसके बाद फिर उसका स्टिचिंग का, और प्लस उसकी पैकेजिंग तक का जो है, और फिर उसकी सेल्स है, इन सब के हिसाब से उसको कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट्स को तकलीफ कर दिया। एंड देन कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन में जिसमें से रिटेल अकाउंट्स भी हैं, यानी कि कुछ कस्टमर्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं रिटेल कस्टमर्स की में, कुछ हम लोग होल सेल अकाउंट्स में, और देन गवर्नमेंट अकाउंट में कुछ हम लोग अपनी सेल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो ये कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाती है कि कस्टमर्स के हिसाब से हमने अपने डिपार्टमेंट्स को बना लिया, कि कुछ जो रिटेलर्स को डील करेंगे वो एक अलग से डिपार्टमेंट है, जो होल सेलर्स को डील करेंगे और उसके वो एक अलग से डिपार्टमेंट है, और इसके बाद फिर जो गवर्नमेंट अकाउंट्स को डील करेंगे टैक्सेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो एक अलग से डिपार्टमेंट होगा रिगार्डिंग द सेल्स। तो ये अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही चेन ऑफ कमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे चेन ऑफ कमांड है कि हु रिपोर्ट्स टू होम, कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लेरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू होम, तो कौन किसको रिपोर्ट करता है ये आपकी क्लेरिफाई कर देती है। एक मैनेजर जो दो लोगों को रिपोर्ट नहीं कर रहा होगा, बल्कि एक ही मैनेजर एक ही लीडर को वो रिपोर्ट कर रहा होगा, और उसकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन होगा कि उन्होंने इसको ही रिपोर्ट करना है, इसके अलावा और किसी को रिपोर्ट नहीं करना। तो अब जिस तरह से अगर दो तीन लोग एक ही बंदे को कमांड कर रहे होंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा एम्प्लॉय के लिए दोनों हुक्म को एक साथ करना, हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। तो ये स्पेसिफाई कर देना फ्रॉम द स्टार्ट के कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके हुक्म का पाबंद है, और प्रायोरिटी बेसिस पे, तो ये चेन ऑफ कमांड की सूरत में नजर आती है। इसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें अथॉरिटी के हिसाब से ये उसको की जाती है, द राइट्स इनहेरेंट इन ए मैनेजेरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड टू एक्सपेक्ट देम टू डू इट। अब ये अथॉरिटी दो तरह की होती है, अब जो ऑथराइज है कोई भी काम करने का, कि उसकी उसके पास अथॉरिटी है, राइट है कि वो आपको सिलेक्ट कर सकता है, नई हायरिंग कर सकता है, और आपको अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो वो आपको निकाल सकता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक अथॉरिटी है कि अथॉरिटी किसके पास है और किसके पास डिसीजन मेकिंग है, और देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑब्लिगेशन एंड और एक्सपेक्टेशन को परफॉर्म करने का नाम है। देन यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसके अंदर द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। तो यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक ही यूनिट होगा उसको, या एक बंदा होगा जिसको बाकी के एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड बात करती है। अच्छा, ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस पढ़ रहे हैं ये आपने काफ़ी हद तक हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल पढ़े थे, ये ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल्स वही हैं जो हमने उनकी जिस तरह से हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जैसे कायदेअज़म के 14 निकात हैं, इसी तरह से हेनरी फ्योल के भी 14 पॉइंट्स हैं जिसमें उन्होंने ये सारी जो पूरी मैनेजमेंट है उसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर, एक मैनेजर के अंदर 100 लोग काम करते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब अगर हम लोग उसके ऊपर दो मैनेजर्स लगा देंगे, यानी कि एक मैनेजर के पास 50 हैं, एक मैनेजर के पास 50 हैं, काम वो एक तरह का कर रहे हैं, दो मैनेजर्स हो गए, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होगा वो वाइड हो जाएगा, जबकि
अभी हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर कि एक जब स्पैन ऑफ कंट्रोल ये दो इम्प्लॉयज़ हैं वो चार आगे उनको डील कर रहे हैं, जो चार हैं वो उसको 16 को डील कर रहे हैं इम्प्लॉयज़ को। अब ये 16 जो मैनेजरियल लेवल के हैं वो ऑफिस से 64 इम्प्लॉयज़ को डील कर रहे हैं, और इसी तरह से यानी कि उनके नीचे काम कर रहे हैं 64 मैनेजर्स जो हैं वो 256 को डील कर रहे हैं। तो ये एज्यूमिंग स्पैन ऑफ फोर हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, यानी कि टू मेंबर्स हैं या टू ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स हैं उनको चार लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर चार लोगों को 64 कर रहे हैं रिपोर्ट अलग अलग, और इसके बाद फिर सिक्स लोगों को इतने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके हिसाब से हमने अपना ये स्पैन ऑफ कंट्रोल बना लिया। इसको जो है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। इसके अंदर लाइन ऑफ अथॉरिटीज कम है। अब यहाँ पे स्पैन ऑफ 8 है यहाँ पर, और इस स्पैन के मुताबिक एक मैनेजर के नीचे 8 हैं और 8 मैनेजर्स हैं, और 8 मैनेजर्स के नीचे 64 हैं, यानी कि हर मैनेजर के नीचे 8 8 हैं। और इसके बाद फिर यानी कि 8 ग्रुप बन गए और 64 मेंबर्स के नीचे फिर 512 हैं। तो ये इसके ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि कितने मेंबर्स को कितने मेंबर्स डील कर रहे हैं, कितने इम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स कितने इम्प्लॉयज़ को डील कर रहे हैं या उनके काम के रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि मैनेजमेंट काम ही दूसरे लोगों से लेना है। तो इस वजह से ये स्पैन ऑफ कंट्रोल की ये बात है। इसमें हम लोग ऊपर प्रीवियस स्लाइड के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल में विड्थ एंड स्पैन इज अफेक्टेड बाय स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द मैनेजर, इम्प्लॉयज कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क बीइंग डन, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक तरह का काम एक तरह पे किया जाए, देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क कि कॉम्प्लेक्स होगा जितना काम उसकी डिफाइन उसकी बाउंड्रीज भी उसी तरह से डिफाइन की जाएंगी, एंड देन फिजिकल अप्रॉक्सीमिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क, कि हर काम जो कि एक स्टैंडर्ड पे काम किया जाना जब करना पड़ता है तो एक स्टैंडर्ड के थ्रू ही आउटपुट रिक्वायर्ड होती है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात थी। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और एक आपका डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रलाइजेशन में डिग्री जो है यानी कि सेंटर पे आपकी कमांड है या अथॉरिटी आपकी सेंटर पे है। डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन या डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक बंदा सिर्फ पॉलिसी मेकिंग कर रहा है डिसीजन मेकिंग कर रहा है बाकी सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपकी सेंट्रलाइजेशन है। या दूसरे मेंबर्स को या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को कोई भी काम करना है, कोई भी नया काम करना है या एग्जिस्टिंग काम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो आपको डायरेक्टली एक मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज यानी कि अथॉरिटी उन्हीं के पास है सिर्फ किसी किस्म की चेंज करने की। तो ये सेंट्रल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके बाद फिर डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग, जैसे बहुत सारे 1000 एम्प्लॉयज एक जगह पर काम कर रहे हैं, अब 1000 एम्प्लॉयज की को एक मैनेजर को डील करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप लोग आपने सोचा कि 10 मैनेजर्स अपॉइंट कर देते हैं हर 100 के ऊपर, हर 100 एम्प्लॉयज को 10 लोग जो हैं वो डील करेंगे और इतने लेवल के डिसीजंस मैनेजर्स खुद करेंगे। तो ये है आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि अब एक के पास नहीं है तो वो 1000 के 1000 एम्प्लॉयज की जो भी क्यूरीज होंगी उनको एड्रेस करेंगे, बल्कि आपने हर 100 के ऊपर हर 100 मेंबर्स के ऊपर एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया, जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। और उस मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इतने लेवल के या इन इन पॉइंट पे डिसीजन ले सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके अंदर जो पावर है या डिसीजन मेकिंग की पावर है वो डेलीगेट कर दी जाती है टू अदर मेंबर्स। अब एम्प्लॉई एम्पावरमेंट में इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर ऑफ द एम्प्लॉयज, के एम्प्लॉयज को आप डिसीजन मेकिंग ज्यादा दे देते हैं। देन मोर सेंट्रलाइजेशन फैक्टर्स जो कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं मोर सेंट्रलाइजेशन को, और ये आप लोगों ने खुद ही पढ़ना है कि इन्वायरमेंट अगर स्टेबल हो तो सेंट्रलाइजेशन ठीक होती है, कि एक जगह पे आपने उन्हीं से डिसीजन लेना है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, और एफिशिएंसी जिस तरह से लो हो जाती है। अब एक मेंबर है उसने 1000 या एक मैनेजर है या लीडर है उसने 1000 एम्प्लॉयज की क्यूरीज को जब सॉल्व करना है तो उसमें डिले आना बड़ा मामूल हो जाता है। तो ये डिलेज आना शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से एफिशिएंसी
किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर कम यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है और हाई एफिशिएंसी कंसर्न करती है आपकी, लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वो फिर सेंट्रलाइजेशन आपकी इस तरह की फ्लॉज क्रिएट कर देती है, और इसको रिमूव करने के लिए डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग दूसरी मेंबर के साथ शेयर कर दी जाती है। अब ये फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और मोर डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या क्या आपके इन्फ्लुएंसेस आते हैं, और ये आप लोगों ने पढ़ लेना है हॉबी से। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है एक, जैसा से भी हमने पढ़ा है वर्क डिज़ाइन या वर्क स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ा है अभी एक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मलाइजेशन जो कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। इसके अंदर डिग्री टू विच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉयज बिहेवियर इज गाइडेड बाई रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब कितनी फॉर्मल हैं अपने अपनी हर जॉब को, हर बंदे को कितना एक जॉब को कितना फॉर्मल बना दिया हुआ है कि कुछ फंक्शंस जो कि एक बंदा परफॉर्म करेगा एक एट वर्क प्लेस, तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। आप जैसे मैकडोनल्ड में या किसी स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीनेशनल्स में आप लोग जाते हैं, तो हर एम्प्लॉई जिस तरह से डील करता है कस्टमर्स को, तो ये भी एक पूरी फॉर्मल बिहेवियर है उनका। अब ये कैजुअल बिहेवियर से उनके पास नहीं, उनसे वो डील नहीं करते, फिर वो किस तरह किस तरह से ऑर्डर लेते हैं, और फिर किस ऑर्डर लेने के बाद क्या वो कमेंट्स करते हैं कि आपका ऑर्डर इतनी देर में रेडी हो जाएगा, और इसके बाद फिर यानी कि कितनी जो जॉब है आपकी फॉर्मलाइजेशन या कितनी फॉर्मल आपकी जॉब को डिज़ाइन किया गया है, और डिज़ाइन करके आपको उसके ऊपर ट्रेन किया गया है कि आपने इन चीज़ों को इसी तरह से करना है। और अब जैसा से इनका अगर मैकडोनल्ड का, KFC, ये सारे जो चेन्स हैं मल्टीनेशनल, ये अगर आप लोग इनका एक बर्गर एक जगह से खाते हैं उसका जायका दूसरी जगह पर डिफरेंट नहीं होता, एक ही जायका होता है। तो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स हैं जो कि फॉर्मल कर दी जाती हैं, और उनको फॉर्मली कैजुअल नहीं होती, इसके अगेंस्ट कैजुअल का कॉन्सेप्ट है, तो कैजुअल जॉब्स नहीं होती बल्कि फॉर्मली चीज़ों को प्ले किया जाता है, तो आपके पास एक फॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब ये डिग्री टू विच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज एंड एक्सटेंड टू विच एम्प्लॉइज बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर्स डिफाइन कर दिए जाते हैं उसको हम फॉर्मलाइजेशन कहते हैं। हाईली फॉर्मलाइज जॉब्स ऑफर लिटल डिस्क्रिप्शन ओवर व्हाट इज टू बी डन। अब जिस तरह से अब हाईली फॉर्मलाइज हैं जो भी चेन जो मल्टी नेशनल्स हैं उनकी वो हाईली फॉर्मलाइज जॉब्स हैं उनके, कि वो आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते बल्कि जिस दिन प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया गया है जिस तरह का जॉब को करना है, तो ये एक फॉर्मलाइजेशन का है कॉन्सेप्ट। एंड लो फॉर्मलाइजेशन मीन्स फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स ऑन हाउ एम्प्लॉइज डू देयर वर्क। अब उनके पर दूसरी जगह के ऊपर या किसी मल्टीनेशनल को नहीं देखते बल्कि किसी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, उसके अंदर लो फॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स आर देयर ऑन हाउ एम्प्लॉइज डू देयर वर्क, कि उनके पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपनी मर्जी से भी काम को कर सकते हैं या डिफाइन नहीं किए गए। तो ये हाई फॉर्मलाइजेशन और लो फॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर जॉब्स को इतने ज़्यादा फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता या उनको डिज़ाइन नहीं किया जाता। देन अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिस्टिक, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी तक जो है मेरे 17 बच्चे हैं।